दोस्तों, बॉलीवुड में कई सिंगर आए और गए, लेकिन कुछ सिंगर्स ने अपनी आवाज के दम पर ऐसा नाम कमाया कि उनकी आवाज अमर हो गई, और मोहम्मद रफी उन्हीं में से एक है। मोहम्मद रफी के गाए सदाबहार गानों को आज भी लोग गुनगुनाते हैं। मोहम्मद रफी को फिल्मी दुनिया के लोग रफी साहब के नाम से बुलाते थे। रफी साहब हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन प्लेबैक सिंगर्स में से एक थे। उनकी आवाज में इतनी मधुरता थी कि उन्होंने कम वक्त में अपने समय के गायकों में सबसे अलग पहचान बना ली, और इसलिए रफी साहब को शाह तरन्नुम भी कहा जाता था। रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ और 31 जुलाई 1980 को मुंबई में उन्हें दुनिया को अलविदा कह दिया गया। लेकिन वो अपने पीछे संगीत की एक ऐसी विरासत छोड़ गए कि लोग आज भी उनके गानों को गुनगुनाते हैं, उसे सुनना पसंद करते हैं। आज के कई बड़े सिंगर्स मोहम्मद रफ़ी को अपना आइडियल मानते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको वो घर दिखाएंगे जिसमें रफ़ी साहब रहा करते थे। ये घर मुंबई के बांद्रा में है, और बांद्रा में जहाँ रफ़ी साहब रहते थे उस चौराहे को रफ़ी चौक भी कहा जाता है। रफ़ी साहब यहाँ एक अपार्टमेंट में रहते थे। वो इतनी बड़ी शख्सियत थे, लेकिन वो कभी दिखावा नहीं करते थे। उनका रहन सहन बिल्कुल सामान्य था, इसलिए वो सामान्य घर में ही रहा करते थे। कई बड़े डायरेक्टर्स बताते हैं कि रफ़ी साहब ज़मीन से जुड़े व्यक्ति थे। जितनी मधुर उनकी आवाज़ थी, वो उतने ही सौम्य थे। मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर की शुरुआत से ही एक के बाद एक हिट गाने दिए। उन्होंने जीवन में हर बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया, चाहे वो नौशाद हो, SD बर्मन, शंकर जयकिशन, मदन मोहन या OP नैयर, और यही कारण है कि आज भी लोगों की ज़ुबान पर रफ़ी साहब के सदाबहार गाने चढ़े रहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड और TV इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।